अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई हमीरपुर आज सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठी है। विद्यार्थी परिषद की ये भूख हड़ताल प्रदेश स्तर की मांगों को लेकर तथा स्थानीय मांगों को लेकर की गई है। विद्यार्थी परिषद 7 फरवरी से छात्र हितों के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रही है, तब भी सरकार की नींद अभी तक नहीं टूट पाई है। अगर आज प्रदेश के वर्तमान शिक्षा नीतियों के ऊपर बात की जाए तो हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई हमीरपुर आज सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठी है। विद्यार्थी परिषद की ये भूख हड़ताल प्रदेश स्तर की मांगों को लेकर तथा स्थानीय मांगों को लेकर की गई। विद्यार्थी परिषद 7 फरवरी से छात्र हितों के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रही है, तब भी सरकार की नींद अभी तक नहीं टूट पाई है। अगर आज प्रदेश के वर्तमान शिक्षा नीतियों के ऊपर बात की जाए तो हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ ही लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तो विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम समय पर नहीं निकलता है, उसमें भी अनेक खामियां होती हैं। अभी तक विश्वविद्यालय पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, जिस कारण प्रदेश के हजारों युवाओं का भविष्य खतरे में है। जिला हमीरपुर में चल रहे तकनीकी विश्वविद्यालय की बात करें तो तकनीकी विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस के नाम पर छात्रों से अधिक फीस वसूली जा रही है। प्रदेश सरकार तकनीकी विश्वविद्यालय को अतिरिक्त अनुदान देती है तो फीस के बोझ को कम किया जा सकता है। तकनीकी विश्वविद्यालय में 8 कोर्स की कक्षाएं चली हुई हैं, लेकिन वहां पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक प्रदेश सरकार नहीं कर पाई है। तकनीकी विश्वविद्यालय में अनेक मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसके कारण वहां पर पढ़ने वाले छात्रों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय मांगों में हमीरपुर महाविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल के जो गीजर हैं, वे खराब पड़े हैं तथा वहां पर ट्यूबलाइट भी खराब पड़ी हुई है। इन मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद ने एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की। विद्यार्थी परिषद इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान चाहती है। यदि इन मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलन को और उग्र रूप देगी। भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई हमीरपुर ने प्रदेश कार्यकारिणी आह्वान पर जो भूख हड़ताल पर कल से विद्यार्थी परिषद जो बैठी हुई है, तो इसमें हमारी जो मांगें थी शिक्षा क्षेत्र में कि जो रिवेल्यूशन का रिजल्ट है वो जल्द से जल्द घोषित किया जाए, और दूसरी मांग जो तकनीकी विश्वविद्यालय को लेकर है, वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका रवैया कुछ विश्वविद्यालय के लिए ठीक नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वे अपना सकारात्मक रवैया तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रति बनाएं, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उसके लिए विद्यार्थी परिषद जो है उनका जहां भी उनके कार्यक्रम होंगे उनका घेराव करेगी और उनका विरोध प्रदर्शन करेगी। तो विद्यार्थी परिषद एक महाविद्यालय की भी ये मांग रखती है कि जितने जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पर जो है गीजर और जो ट्यूबलाइट की सुविधा जो है वो अच्छे ढंग से दी जाए, क्योंकि बहुत दिनों से ये देखने में आया है कि वहाँ की छात्राएं जो हैं उनको गर्म पानी और गीजर की सुविधा नहीं दी जा रही है, और पढ़ाई में जब रात के समय उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए ट्यूबलाइट का भी अच्छा प्रबंध है।